वाह जी वाह। आते मतलब दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी दिक्कत है। ये तो कच्चा है अबे। ये है हमारी ड्रिंक। दो डिग्री वाली चटनी है भाई। ये फ्राइज में इन्होंने कपला किया, मकेन के फ्राइज डाल के और अंदर मसाला डाल दिया बस। दो दिन की दाल कच्चे बढ़ गए एंड 3 दिन का पनीर। What's up guys, welcome back to my YouTube channel। Hope करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। फाइनली एक और नया व्लॉग बना रहे हैं हम, कोरोना वायरस को हरा के। एक बार कॉपीराइट आया था कोविड को हरा के। और आज हम आए हैं बोलिंग कैफे। काफ़ी कुछ मुश्किलों को झेलने के बाद अभी फ़िलहाल अभी हम स्कूल की यूनिफॉर्म में, क्योंकि प्रैक्टिकल देखे हैं फाइनल अकाउंटेंसी का हमारा। बहुत मस्त गया, अच्छा था। हमारे साथ है प्रणय, मेरा बेटा, सॉरी मेरा भाई हो, और बाकी अपने दोस्त आ रहे हैं पीछे, और साहिब और गटरू आ रहे हैं। चार जने होंगे हम, बहुत मज़ा आएगा, देखते क्या हो रहा है। और थैंक यू आप सबका, लास्ट वीडियो के बाद काफ़ी सारे कमेंट आए, अच्छे लगा, बहुत अच्छा लगा सबसे, दिल से अच्छा लगा। ऐसे कमेंट कर दिया करो, बहुत बढ़िया लगता है। प्लस इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे भी काफ़ी सारे मैसेज आए, मज़ा आ गया, सही बात है। और अच्छा लगता है, काफ़ी सारे मैसेज आए, आपको पता लग जाता है मुश्किल टाइम में जो आपके साथ होगा वही मतलब आपका दोस्त है, बाकी सबसे आप मज़े लेने के लिए आपके आए होते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा, सबने मैसेज किया और काफ़ी सही था। बस कोई बात नहीं, अब हम बिल्कुल ठीक हैं। और अभी हमें लोग बोलेंगे क्यों आए हो, तो हम फिर भी आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कैसे आप? बस बढ़िया। अच्छा, कैसा गया अकाउंट्स का प्रैक्टिकल? अच्छा गया। अच्छा था, अच्छा। क्वेश्चन मतलब इजी था, मुश्किल था? इजी था, बहुत इजी था, सौखा था। सौखा था यार, सब ने मतलब अच्छा था, मतलब वधिया तरह हो गया, क्योंकि हमारे स्कूल में जैसे मतलब हमें इतनी अच्छी तरह पढ़ाया हुआ कि हमें कोई दिक्कत नहीं आई प्रैक्टिकल में, तो सीधी बात मैं कहूँ। तो बाकी हम चलते हैं, बाकी हमारे दोस्त आ जाए, फिर हम चलते हैं अंदर। और बहुत अजीब हो गया, हमारे पेपर पोस्टपोन हो गए हैं, डेढ़ महीना ना, डेढ़ महीना आगे चले गए हैं, और बड़ी खतरनाक जी। और कल मैंने लाइव स्ट्रीम भी एक शुरू की थी एक वीडियो में, तो वो भी करेंगे आगे, लाइव स्ट्रीम पे जरूर आना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिन्हें जिन्हें नहीं किया हुआ फटाफट कर लो सब्सक्राइब, जरूरी है वो। और क्या बोलना था मैंने, और फेयरवेल भी अपनी कैंसिल ही समझ लो, कैंसिल हो गई है, कुछ कर नहीं सकते कोविड की वजह से, अब बहुत प्रॉब्लम है और दिक्कत है काफ़ी कुछ। हमने कोट पैंट भी बनवाया हुआ था, पर अब कोट पैंट का पता नहीं क्या करेंगे, रखेंगे संभाल के उसको, अगली शादी में काम आएगा। अब अगले साल प्रणय की शादी हो जानी है, अच्छा। तो हम तब डालेंगे उसको, बहुत मज़ा आएगा। बरगंडी रंग का, बरगंडी मैरून रंग का बनवाया था, ऑनलाइन लिखा हुआ था बरगंडी। सही है, चलते हैं। तो ये बर्लिन कैफे नया खुला था, साहिब बोल रहा था कहाँ जाना है, प्रणय का मन था कुलचे खाने का, क्योंकि उसको चल गट्टू का मन था कुलचे खाने का। पर हेलो, यस बेबी, हाँ ओके, मैं फ्रेंड्स के साथ आया हूँ अपनी, बियर भूर पियेंगे, मजे करेंगे ऐश। हाँ हाँ हाँ, क्या कर रही है? अच्छा अच्छा हाँ। तो शुभम को छोड़ने गए हुए हैं और आ रहे हैं, तब तक हम देखते हैं थोड़ा बर्लिन कैफे, देखते हैं क्या क्या है। बार बड़ा सही बनाया हुआ है इन्होंने, वाह आपको दिखाता हूँ, रुको। वाह ये क्या भाई, आ जरा देखे प्रणय इधर, वाह जी वाह भाई, हवा बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे तो यार। ये भी बनाया हुआ है, बैठने की जगह है सारी भाई, क्या दीवार है, फोटो कितनी मस्त आएगी यहाँ पे यार। दिखा प्रणय शक्ल अपनी, साथ ज्वाइन हो चुके हैं साहिब जुलका, खाता है फुलका एंड बहुत पता है यार, गटरू कैसे सर, कैसा क्या प्रैक्टिकल आज का यार? वेज में अब क्या खाएं यार, समझ नहीं आ रहा। नॉन वेज तो फिर भी पता होता है भाई, चिकन खा लेना है। मैं बताता हूं, मैं वेज कढ़ाई पनीर खाते हैं, बहुत बढ़िया है। क्या खाना है, पिंडी छोले खाएगा? अरे पिंडी छोले, पिंडी छोले खाने नहीं, कढ़ाई पनीर अगले होते हैं भाई यार। कितने दिन और रहते हैं अभी? संडे का था ना, संडे अष्टमी है तो मंडे नवमी, मंडे नवमी, नवमी में तो खा ही लेते हैं मेरे ख्याल से। हाँ अष्टमी, हम हमारे अष्टमी करते हैं ना, हाँ जिनके जो कंच के हो जाती है उसके अगले दिन खा सकते हैं। हाँ तो मतलब संडे तक नो नॉन वेज। तो रोटी में चीज पूछ रही थी आपसे मैंने भैया, ये देखिए दो दिन की दाल, मतलब दो दिन पुरानी होती है ये? फाइनली डिसाइड हो गया हमने क्या मंगाना, बड़ी देर बाद, बहुत मुश्किल लगती है भाई डिसाइड करने के लिए। बाकी और चिकन ना खाना तब, हाँ सच्ची बात है भाई, नाते हैं ना भाई, मुश्किल हो जाता है। मतलब ऐसी बात नहीं, मतलब दिक्कत नहीं है, पर
थोड़ी सी दिक्कत है, दिक्कत नहीं है थोड़ी, थोड़ी सी दिक्कत है। अरे कहना क्या चाहते हो, अब इसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। कैसा गया आपका प्रैक्टिकल? बहुत अच्छा। कैसा था? बहुत अच्छा। इसमें एक जवाब दिया वाइवा ने, वो भी गलत। वाइवा का एक जवाब गलत। आपका ऐसा क्या प्रैक्टिकल? बड़ा बता गया, सब भी टिक रख गया, हमारा भी जीता। मतलब जैसे ना हमारे जो देखा, हमारे स्कूल में ऐसे कठोर थे, हमारे स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन्होंने इतनी मतलब तैयारी इसी तरह की है कि अच्छा प्रैक्टिकल। जी को कैसे क्वेश्चन मिली है? अभी फिलहाल हमने बड़ी मुश्किल से साइड को बना के पास्ता और फ्राइज मंगवाए हैं, प्लस जो भी पीने वाला सामान है, और उसके बाद हम मेन कोर्स खाएंगे। दो दिन की दाल, दो दिन की दाल यहाँ पे है, दो दिन की दाल है, दो दिन पुरानी दाल होती है, दिखाता हूँ मैं। ये रही दो दिन की दाल, ये गट्टू खाएगा, गट्टू रोज खाता है ना दो दिन की दाल, तीन दिन की दाल नहीं होती फिर तो। बताओ सच भाई, साइड पे टैटू तो चेक करो भाई, टैटू दिखाइए अपना। वाह स्ट्रेंथ लिखा ना, यू गॉट इट राइट ब्रो विद अ सेमी कॉलन। दर्द हुई थी थोड़ी सी, मेरा पूरा प्लान है बर्थडे पे टैटू बनवाने का, पापा को बनाना बस। मैं कब बनवाना है? मैंने कहते फिर बताई तेरे को बनवाने वाला बंदा दे। वही ना मैं कहते इंटरव्यू वगैरह में ना दिक्कत हो जाती है अगर शो वाले एरिया पे होता है। ये अब देख मेरे को पता है कि मैंने जॉब सेक्टर नहीं जाना, मैं ना बिजनेस साइड होना, मैं अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करूं। वही ना मैं कहते शो वाला एरिया ना, नॉन विजिबल एरिया बनवा ले। वही ना शो वाला ही देख ना, यहाँ तक यहाँ पे शो नहीं होता अगर मैं शर्ट या पूरी यूनिफॉर्म में हूं, तभी नहीं शो हो रहा। हां शर्ट पहनूंगा तो नहीं होगा भाई, ये बात उनको कौन समझाए। तू नॉर्मल तू बैग ले यहां कर ले। पास्ता आ चुका है, पर ने सारा का सारा पास्ता अपने डाल लिया हुआ है, देख सकते हैं आप। और अच्छा साहिब कैसा है? वर्थ इट? ओके गट्टू जी, हां जी सर। कैसा है? अच्छा सर। क्या पास्ता? अच्छा ये तो कच्चा है, ये तो कच्चा है अभी गला हुआ। तो तेरे को एक आध बीस आ गया होगा, पहला बीस कच्चा था। और कोई उनको ब्रोकर नहीं पसंद आएगा। अच्छा पास्ता अच्छा है। ये है हमारी ड्रिंक जो हमने मंगवाई थी, क्या बात है भाई, तभी इसको इतना टाइम लग रहा था। जेलस तू क्या पी रहा भाई? पटियाला पैग। अच्छा पढ़ने के माँ बाप अगर देख रहे हैं तो ये पी रहा है यहाँ पे, ड्रिंक कर रहा है। आगे इसकी अच्छी तरह ली जाए। ये आए हमारे फ्राइज, पर इन्होंने थोड़ी धोखाधड़ी किया भाई। ये फ्राइज में इन्होंने कपला किया, मकेन के फ्राइज डाल के और मसाला डाल दिया बस। मतलब अगर आप बर्लिन आने का सोच रहे हो फ्राइज मत, पैसे मत वेस्ट करना। हाँ मत मंगवाना फ्राइज यार। ये देखो ये ऐसे लोग हैं बर्लिन कैफे आ गए, ये गंदी हरकतें कर रहे हैं। बर्लिन कैफे आ गए ऐसी हरकतें करती हैं। क्या सिखाया आपको घर वालों ने? रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। यार साहिब क्या कर रहा है तू यार, गलत काम नहीं प्लीज यार। मैं तो खा लेता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुमने क्या मंगाई है? दो दिन की दाल। दो दिन की दाल एंड 3 दिन का पनीर। शुरू करें? आज साहिब लड़ाई नहीं करनी, गार्लिक ना लगे। सबकी गार्लिक है, सबका गार्लिक है इसको। आज वेज खाना पड़ रहा है, बुरा लग रहा है पर कोई बात नहीं। स्वाद है, स्वाद है बहुत अच्छा, पनीर इज गुड, चिकन से भी ज्यादा अच्छा। हाँ चल कोई देखो ये गट्टू ने क्या किया तूने? गट्टू ने किसने किया?
भाई मैं रोटी खाने में बहुत बिजी था। ऊपर ने गट्टू ने किया ना, बता इधर बैठा कौन था? इन दोनों में से किसी ने किया था कि नहीं? गट्टू ने किया ना, हम मास्टर पर पता लग रहा है, इससे बोला गट्टू ने किया। आप ये कुछ भी बोल रहे हो चैनल इसके, इसमें कट कर देना। चुप कर बे कुत्ते। हमने खाना खा लिया, काफ़ी सही था, ठीक था, मतलब ये नहीं कहूँगा बहुत ख़तरनाक था पर सही था फिर भी। और ही अपनी एक्टर उधर खड़ी ना सर, क्या रिव्यूज़ हैं, कुछ रिव्यूज़ के बारे में बात करें जरा। अरे यार ऐसा मत किया करो यार, खराब लगता है भाई, है ना? खाने का खाने लग जा रहा है माई गए भरावा, तीन आ गई। ये हम ले आए हैं सौंफ वाली, इन्होंने बर्लिन कैफे वालों ने हमारा अच्छा खासा बिल बनाया, बहुत बड़ा, तो फिर हम ये भी उठा लाए पूरा पैसे वसूल करने। और ये तेरा भाई, मेरे को लगा उन्होंने दिया, ये मैं बार बार यूज़ कर रहा था अभी, पढ़ाई लूट रहा, ये मैं लूट लिया उनके पुराने भी बैग में भर के ले जा रहा भाई। जा रहे तुसी, जा रहे हो तुसी, दफा हो जाओ। तू भी जा रहे हैं पीछे ले इस मुक्के को। फिलहाल जी हम जा रहे हैं अपने अपने घर, और आज डेट अपनी है 15 अप्रैल और कल है 16, और हमारा आखिरी दिन है स्कूल के अंदर, हमारा लास्ट प्रैक्टिकल, उसके बाद स्कूल लाइफ एंड है। देखो लगता है स्कूल लगने लगे हैं, डायरेक्ट पेपर ही हो गए हमारे, और भगवान की मेहर से वधिया ही प्रैक्टिकल हो रहे हैं अब तक, तो जो हो रहा है वधिया ही हो रहा है। और अपने क्या ख्याल है, आखिरी दिन है हमारा कल स्कूल में, मिस करेंगे स्कूल लाइफ यार? स्कूल लाइफ तो यार कुछ नहीं है, पर इतना है कि हमने प्लान बनाया हुआ है स्कूल के बाद ज़रूर एक ट्रिप करेंगे तेरी। भाई ये हटते नहीं लोग ना हॉर्न मारने से, क्या हवा पे उड़ जाऊँ मैं भाई, गॉड क्या यार, तो ही टिकती नहीं है। तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि स्कूल के बाद ज़रूर एक ट्रिप मारेंगे हिल स्टेशन की, पता कौन सा स्टेशन होगा वो, वो तो अभी डिसाइड नहीं हुआ, पर तू जाएगा? हाँ चलो। तेरे अपने तो परमिशन दी हुई ना, तो कुछ बात की हाँ? गोवा तक की भी मिली है तेरे को तो? नहीं, तूने बोला था। मैं हर चीज नहीं बोल रही हूँ, पर मिली तो है, इतनी तो परमिशन मिल जाएगी। हाँ वो तो मिल जाएगी, पर अगर प्रणय के पापा मान गए और प्रणय गया तो मैं, मेरा तो फिर मान हो जाएगा, मैं बोल दूंगा प्रणय का अपने बोल दिया तो फिर अपना हो ही जाएगा, क्यों प्रणय? हाँ। जैसे हर बार होता है, इवन की हम अमृतसर की ट्रिप पे भी गए थे, उधर भी मन नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि प्रणय के पापा मान गए उसको जाने मिल रहा है, तो तब हो गई थी बात। बाकी ऐसे ही व्लॉग्स आते रहेंगे, और थैंक यू सबका यार सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा, उस दिन भी जब मैसेज वगैरह आया तो बहुत सच में अच्छा लगा मेरे को दिल से, आगे यार कमेंट कर दिया और साथ साथ बहुत अच्छा लगे, और आगे व्लॉग्स हम लेके आते रहेंगे अच्छे अच्छे वो भी, तो ऐसे सपोर्ट करते रहना। ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करके जाना, कोई दिक्कत नहीं है, और रेगुलर ड्रेस के चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्रणय को गालियाँ लिख देना एक बार कमेंट में, मज़ा आएगा।